राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुका है। ऐसे में महागठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के विपरीत देश में जितने भी दल हैं उनके प्रत्याशी हार चुके हैं। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से महागठबंधन में बड़ी दरार देखने को मिली है। जब जब चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है तब तब ये मामला सामने आता है। बिहार में जितने चुनाव हुए हैं महागठबंधन से उतने दल बाहर गए हैं। बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव की तो मुकेश सहनी मांझी बाहर हुए। इस चुनाव के दरमियान थोड़े दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा बाहर हुए, चुनाव के बाद कांग्रेस बाहर हुई और अब भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कहीं ना कहीं कई दलों ने तेजस्वी का साथ छोड़ दिया है। तेजस्वी देश में बड़े गठबंधन बनाने की जुगाड़ में थे, लेकिन बड़ा झटका तब लगा जब झारखंड के मुख्यमंत्री ने समर्थन कर दिया एनडीए उम्मीदवार का, नवीन पटनायक ने समर्थन कर दिया एनडीए को। ऐसे में अब राष्ट्रपति के चुनाव खत्म होते बड़ा दरार देखने को मिला है। जिस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे उन्होंने ही यूपीए गठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी महागठबंधन में कई बातें निकलकर सामने आ रही थी। उपराष्ट्रपति के चुनाव भी हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और विपक्षी खेमे के उम्मीदवार आमने सामने हैं। लेकिन इसके पहले ममता बनर्जी के ऐलान ने स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव को अब संजीवनी नहीं मिलने वाली है। यानी तेजस्वी यादव जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास विफल होगा। लालू प्रसाद यादव ने भी एक बड़ी गठबंधन बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो गठबंधन सफल नहीं हुई। ऐसे में एक बार फिर से ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेने की बात कही है। ये नाराजगी कांग्रेस की भी हो सकती है, ये नाराजगी झारखंड के मुख्यमंत्री से भी हो सकती है और ये नाराजगी देश के तमाम भाजपा विरोधी दल से भी हो सकती है। इसलिए कि यशवंत सिन्हा विपक्ष के साझा उम्मीदवार थे लेकिन दाव ममता बनर्जी ने खेला था, इसलिए उनके पार्टी से वो राज्यसभा के सदस्य हैं और बड़े कद के नेता थे। ऐसे में ममता बनर्जी को बड़ा झटका मिला है तो उन्होंने भी देश के तमाम विपक्षी दलों को झटका देने का फैसला कर लिया है। ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद कली। ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।